नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। यूपी में प्रदेश सरकार फरियादियों की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए भले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हों, लेकिन समस्याओं का निस्तारण करवाना तो दूर, पुलिस विभाग की दबंगों से मिलीभगत के चलते मामले निस्तारित होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। बाराबंकी जिले के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्रों में इन दिनों गरीबों की जमीनों पर भूमाफिया स्थानीय पुलिस की मिली भगत से बेसहारा लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित लोग थाना दिवस और तहसील दिवस में अपनी शिकायत भी करते हैं, बावजूद इसके पुलिस का इन पर कोई डर नहीं रहता और अपनी दबंगई के बल पर जमीन पर कब्जा भी कर लेते हैं और पुलिस सिर्फ दिखावे के नाम पर पीड़ितों को सुबह से शाम तक सिर्फ दौड़ाने के अलावा कुछ नहीं करती। पहला मामला थाना सफदरजंग के चौखंडी गाँव की 70 वर्षीय बुजुर्ग और विधवा शांति देवी का है, जिनकी जमीन पर पड़ोसी दबंगों ने पुलिस की मिली भगत से बेसहारा की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं, जबकि पीड़िता ने इसकी शिकायत तहसील और पुलिस विभाग में पहले से ही कर रखी है। दूसरा मामला इसी थाना क्षेत्र के जमलापुर के उमेश का है, जिन्हें 2009 में आवासीय पट्टा तहसील से मिला था, लेकिन अब इसी जमीन पर गाँव के दबंग लोग छप्पर रख कर कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मामला हल होना तो दूर, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक दो मामले नहीं बल्कि दर्जनों मामले तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों की हीला हवाली और लापरवाही के चलते स्थानीय पुलिस पीड़ितों की सुनवाई करना तो दूर, दबंगों से मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा करवा रही है। अब जब मामला मीडिया में आया है तो तहसीलदार मामलों पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि पीड़ितों की मदद और उनकी जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जे हटवाने की बात कर रहे हैं। हर जगह गए मुल्क हो सुनवाई नहीं भए, हर जगह जब हुआ एक बार गई भए उतारिन तिके फिर दमाई गई कुपर धर लीन छप्पर डंडा लाठी लेके रपटा था जब गए तो अपने कुपर। थाने वाले में आपकी मदद करते हैं? नहीं, थाने वाले नहीं मदद करते हैं। क्यों, थाने गए थे कि नहीं गए रहे? मुल तने केवल बतावत हैं कि जाओ अपने हाथे करो, जाए जोन हो आईबे मुल बाद में फिर नहीं आवत। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। साल से कम नहीं थे ये नाली? कितने दिन से आपके बह रही? ये 20 साल पहले से बह रही है। अच्छा, अब यहाँ पर नया विवाद क्या हुआ? जी यहाँ पर ये लोग नाली कह रहे हैं अपने घर के सामने ले जाओ और इधर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। जिस पे? जी। तो कहीं शिकायत वकायत आपने किया? जी। कहाँ? थाने में किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आज एस पी साहब को दे आए हैं, थाने में जाते हैं तो वहाँ एस ओ साहब हमको खुद गाली देते हैं। चौकीदार हमसे कह रहा है कि हम थाने चल के तुमको पट्टा लगवाएंगे। अच्छा। बाराबंकी से अंकित यादव की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।